हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। अभी इफ्तारी हमने करके फारिग हुए हैं और आज मज़े की रेसिपी जो मैंने लाइव आपके साथ बनाई थी वो थी सैलमन। मैंने मछली बनाई थी, वो बहुत मज़े की बनी थी। अभी वो खा के फारिग हुए हैं तो आज मैं शेयर करूँगी कि इफ्तारी के बाद हम कैसे सफाई करते हैं। तो वो इफ्तारी के बाद किस सारी सफाई की रूटीन जो है वो आपके साथ जो है मैं शेयर करूँगी, और मेरे साथ रहिए, फिर सफाई शुरू करते हैं। दिन चाय तब पीते हैं, दूध वगैरह पीते हैं और जूस वगैरह पीते हैं, तो अक्सर कहा जाता है कि उनके दूध वगैरह चाय उनको साथ रात को आपके गर्म पानी के अंदर जो है डाल रखना चाहिए, काफ़ी देर तक नहीं, लेकिन थोड़ा डाल के उसके बाद आप उसको सुखाने के रखना चाहिए ताकि उसके अंदर जो जरासीम वगैरह वो निकल जाए। तो मैं जो है रात को ज़्यादा ऐसे करती हूँ, जो मुझे फिटे के अंदर रहते हैं बच्चों को दूध के जूस वगैरह के, वो मैं जो है उसमें पानी गर्म पानी थोड़ी देर के रखती हूँ और उसके बाद उसको सुखाने के रखती हूँ। ये मेरे बच्चों की जो फीडर है, एक ही फीडर था जो बहुत गंदा था, रात को उसने जूस पिया तो ये काफ़ी गंदा था, बाकी जो है मैंने कल साफ किया था, लेकिन मैं ज़्यादा हर दूसरे दिन जो है इनकी फीडर जो जूस से दूध के होते हैं उसको मैं गर्म पानी डाल कर रखती हूँ, और उसके बाद जो है थोड़ी देर रखने के बाद मैं उसको सुखाने के लिए वहाँ रख देती हूँ, क्योंकि अगर हमने ऐसे ये प्रोसीजर नहीं करेंगे तो बच्चों के जो फीडर है उसके अंदर जब काफ़ी गंदगी जमा हो जाएगी और वो बच्चों को बीमार भी करेगी और प्लास्टिक के बच्चों को काफ़ी स्मेल भी आएगी। तो ये रात को मैं सुबह पहले ये भी करती हूँ। ये मेरी कॉफ़ी मशीन है जो मैं इन्हें 2 हफ्ते बाद तकरीबन उसको साफ़ करती हूँ, ये अंदर से बहुत गंदी होती है, इसको साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है, और अगर ना साफ़ करें तो ये खुद ही मैसेज देती है कि आपकी मशीन अंदर से गंदी है, इसको साफ़ करें। उसकी जो है अलग से गोलियां मिलती हैं जो टैबलेट्स जो हम इस पर डालते हैं, लेकिन उसके अलावा भी हमने इसकी सफाई करनी होती है। वो कैसे सबसे मैं बताती हूँ, ये इसका बॉक्स है, इसके अंदर जो है इसमें मैं पानी डालती हूँ, पानी फ्रेश पानी डाल के फिर कॉफ़ी बनाती हूँ। ये भी पुराना पड़ा हुआ है क्योंकि अभी हमने कॉफ़ी नहीं पीनी, लेकिन मैं बता रही हूँ कि इसमें पानी डाल दूँ, और इसकी जो सफाई है वो यहाँ से करनी होती है। ये देखिए इसका एक बॉक्स निकाला होता है, इसमें जो है पानी, ये देख रहे हैं ये काफ़ी गंदी होती है, ये सारी इसके अंदर कॉफ़ी है, पानी है, इसको मैं अच्छे साबुन से धोऊंगी, साफ़ करूंगी, और इसके अंदर जो है वो जो कॉफ़ी के बीन्स होते हैं उसको उसका जो अंदर से गंद रहता है, बाकी उसके अंदर जो है हमने बिन में फेंकना होता है। तो अभी हम इसको करते हैं साफ। अब ये देखिए कॉफ़ी मशीन की मैंने रख दी धोने के लिए, और अभी मैं इसको धोऊंगी, ये काफी गंदी हुई है। और चीज़ें सारी धोने की है वो भी धोने के लिए मैंने वहाँ तेल रोकरी में जब खुश्क हो जाएगी फिर मैं इसके अंदर डालूंगी। अभी ये हो गई है साफ मेरी कॉफ़ी मशीन,
और अभी जो है मैं साफ करूँ, बेसिकली माइक्रोवेव मेरा काफ़ी साफ है, लेकिन जो इसका दरवाज़ा जो मुझे बहुत तंग करा था, ये देखिए इस पर छींटे पड़े हुए हैं, ये बहुत गंदे रहती हैं मुझे, तो अभी मैं ये छींटे वगैरह साफ करूँगी। जी मेरा माइक्रोवेव भी साफ़ हो चुका है, मेरी कॉफ़ी मशीन भी साफ़ हो चुकी है, किचन के ऑलमोस्ट बर्तन सारे धो दिए हैं मैंने, और किचन के सारी चीज़ें काफ़ी हद तक बच्चों के जो कुर्सी पे खाना खाते हैं वो भी साफ़ कर दिए हैं, तो अभी काफ़ी चीज़ें हो गई हैं। मैं अभी जाऊँगी लिविंग रूम में, वहाँ पर मेरा टेबल है वो गंदा हुआ है, उसे साफ़ करूँगी, और इसके बाद फिर हम थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे क्योंकि इफ्तारी के बाद जो है वो सब बहुत थक जाते हैं, लेकिन मैं बच्चों को सुला के और फिर आराम से सारा के जगह साफ़ करती हूँ, ताकि जब सुबह उठूँ तो थोड़ा सा कूल होकर किचन जो है यहाँ चीज़ें जो है सारी साफ़ है, और आप आराम से पढ़ना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि अगर किचन भी खराब हो आप एकदम से सुबह उठ के आए तो एकदम से बहुत सा कल नजर आए तो आपको दिन नहीं रहता कुछ भी करने को, तो इसीलिए ये अच्छी टिप है कि रात को सफाई करके सोए मेरे घर जाते होते हैं कर देंगे, ये अच्छी टिप है। यहाँ पे देखा है ये मैं कानों में लगा के इसलिए कहती क्योंकि वैक्यूम की आवाज़ बहुत ज़्यादा शोर करती है, और ये एक सजेशन मुझे दिया था फिर कान ने कि आप भी कानों में वैक्यूम प्यार लगा क्योंकि बहुत शोर होता है, कान ख़राब ना हो जाए, अक्सर कहा हमारे जितने भी वो यानी हमारे जो बुज़ुर्ग होते हैं जब जब भी उनकी उम्र ज़्यादा होती है तो उनके कान काफ़ी हद तक ख़राब हो जाते हैं, तो इसलिए शुरू से तैयार करना चाहिए क्योंकि जब एक दफ़ा कान ख़राब हो जाए तो फिर तो सही नहीं होते, इस तरह से मैंने सुना तो मैं थोड़ी फिक्रमंद थी क्योंकि ये सामान करूँ ताकि कान ख़राब ना हो बुढ़ापे में। जी हाँ, तो अभी मेरा किचन हो गया है साफ, ये देखिए मैंने सारा किचन साफ़ कर लिया है, कभी कभी जब मेरा एयर फ्रायर है जैसे कि मैं अक्सर रेसिपीज में बनाती हूँ आपको बताती हूँ, ये मेरा एयर फ्रायर जब ये अंदर से बहुत गंदा होता है, मैंने बहुत इस्तेमाल किया हो तो इसको रात को मैं इसमें साबुन डाल के और पानी डाल के अच्छा रख देती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा चिकनाई होती है इसमें, तो उसको मैं जब पूरी रात ओवरनाइट रखती हूँ और सुबह उठ के फिर मैं इसको धोती हूँ, लेकिन ये आज काफ़ी साफ था इसलिए इसको धोने की ज़रूरत नहीं थी मुझे, लेकिन जो मेरा मेन जो है वो जो गन था वो यहाँ था कि मेरी मशीन बहुत गंदी थी कॉफ़ी की और मेरा माइक्रोवेव गंदा था, उसको मैंने साफ़ किया। ये मेरी चाय बन गई है और अभी हम बैठ के चाय पियेंगे। ये मेरे हस्बैंड का कप है, इस पर लिखा हुआ फ्लॉम, ये एक जगह है टूरिज्म के लिए काफ़ी मशहूर जगह है, बहुत ज़्यादा नॉर्वे की मशहूर जगह है, यहाँ पर बहुत खूबसूरत वादियाँ हैं, आबशार हैं, पहाड़ हैं, यहाँ पे हम गए हुए हैं, तो जब मैं पहले तो मैं यहाँ पर गई थी तो वहाँ से मैं कप लेके गई थी, मुझे भी बहुत अच्छा लगा था, ये वहाँ की याद है, और इस पर नॉर्वे का झंडा भी बना हुआ है, तो ये खूबसूरत कप जो है मेरे हस्बैंड को चाय पीएंगे। जी हाँ, तो अभी मैं पी रही हूँ इस कप में चाय, ये कप बहुत स्पेशल है, ये मैंने हस्बैंड ने दिया था, उन्होंने कहा था कि ये आर्यन और आही की तरफ से आपके लिए, तो मदर्स डे था तो इस पर लिखा हुआ मामा और आगे से नॉर्वेजियन नाम लिखा हुआ है, तो उसका लगता है कि मामा आप प्राइसलेस हैं, तो ये बहुत ही अच्छा तोहफा जो फरकान ने दिया था, और जब मैं इस पर चाय पी थी तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, एकदम खूबसूरत पिंक कलर है। ठीक है, तो कैसे लगेगा आपको मेरी आज की सफाई की रूटीन कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अभी मेरा रिलैक्सिंग टाइम है, मैं आराम से मज़े से चाय पीऊँगी और थोड़ा रिलैक्स करूँगी क्योंकि सारा दिन बच्चों के साथ और रोज़ा इन सब चीज़ों के बाद आपको थोड़ा सा रिलैक्स करना चाहिए ताकि आप अगले दिन के लिए प्रिपेयर हो, और अगले दिन जो है आपके ऑफकोर्स हर दिन जो है वो चैलेंजिंग होता है, बहुत सा काम होता है, तो जितनी एनर्जी होगी जितने आप सेहतमंद होंगे उतनी जो है काम को आप सही तरीके से अंजाम दे सकेंगे। तो आज का व्लॉग आज यहीं ख़त्म करते हैं, अगले व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और हाँ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हमारा नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।